हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बुल्गारिया की कुछ हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड वैकेंसी शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ही प्रोमिनेंट रेप्यूटेड ब्रांड है और बुल्गारिया आपको क्यों जाना चाहिए मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया, मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखिए दोस्तों, बुल्गारिया पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगेन जोन का मेंबर भी बन चुका है। बुल्गारिया का वर्क परमिट टाइम पर आ जाता है, पहले 3 to 4 months में आ जाता था, आज के डेट में 4 to 6 months में यूजुअली वर्क परमिट्स रिसीव हो जाते हैं, यानी कि सिंगल पीसीसी में आपका काम हो जाता है, आपको दो दो पीसीसी नहीं बनाना पड़ता है। वर्क परमिट आने के बाद आपको वीएफएस नहीं जाना पड़ता है, हम आपका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं और एम्बेसी में कोई एज सच इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपसे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेजिग्नेशन और सैलरी, ये 2 से 3 questions पूछे जाते हैं जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 2 to 5 minutes लगते हैं हर एक कैंडिडेट को, राइट। 99.9% सक्सेस रेट है। तो आपको शेंगेन कंट्री में जाना है, यूरोप में जाना है, जेन्युइन वर्क परमिट पे, लॉन्ग टर्म वीजा पे, बुल्गारिया इज द राइट चॉइस। और कुछ बातें जो आपको समझनी चाहिए, बुल्गारिया में टीआरसी आपको 3+ years का मिल रहा है, यानी कि जब आप नेक्स्ट टीआरसी बनाएंगे तो आप पीआर को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तेजी से बुल्गारिया में सैलरीज अपग्रेड हो रही हैं। अगर आप लोग हमें रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि चाहे क्रोशिया हो, चाहे बुल्गारिया हो, चाहे रोमानिया हो, अब मैं क्रोशिया, बुल्गारिया, रोमानिया का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 3 countries जो हैं अभी कुछ समय पहले ही शेंगेन में आए हैं। किसी को 2.5 साल हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को कुछ मंथ्स हुए हैं, राइट। और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये कंट्री शेंगेन जोन का मेंबर बने, इनकी सैलरीज जो हैं हर साल बढ़ जा रही हैं, मींस हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के उभर रहे हैं ये तीनों के तीनों देश, राइट। अब क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बुल्गारिया की, तो मैं आपको पहले डेजिग्नेशन को एक बार रीड आउट करके बता देता हूँ क्या क्या डेजिग्नेशन हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ है कि किस डेजिग्नेशन के लिए कितना सैलरी ऑफर हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हमें लोग चाहिए, और साथ ही साथ हमने क्राइटेरिया भी वहां पर मेंशन किया हुआ है। कुछ प्रोफाइल्स में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं फ्रेशर बोल रहा हूं तो मेरा यहां पर मतलब है कि आपको यू नो हॉस्पिटैलिटी का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हमारे पास प्रोफाइल्स ऐसे हैं, साथ ही साथ कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जिनमें हमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, चाहे आपने भारत में ही काम किया हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपना करियर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं, चाहे गल्फ की लीडिंग कंपनीज में या यूरोप की लीडिंग कंपनीज में, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर और जनवरी इनटेक के लिए हम लोग एडमिशन्स ले रहे हैं। हम लोग बारटेंडर, बरिस्टा के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं जो कि 1 month से 45 days में फिनिश हो जाता है और बहुत इजीली आपका हम प्लेसमेंट करा देते हैं। साथ साथ हम लोग 1-year diploma भी दोस्तों करा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में, जिसमें हम आपको सारे ऑप्शंस देते हैं कि आपको सर्विस में जाना है, किचन में जाना है, हाउसकीपिंग में जाना है या फ्रंट ऑफिस में काम करना है, राइट। और इस 1 year का जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है ये जेन्युइनली UGC अप्रूव्ड कोर्स होगा, राइट। आपको ड्यूअल सर्टिफिकेशन हम यहाँ पर देते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देते हैं, प्लस हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी कराते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब भी हमारे पास कोई वैकेंसी आएगी, चाहे वो गल्फ की हो या यूरोप की हो, हमेशा हम अपने कैंडिडेट को ही प्रायोरिटी देंगे। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आप पहले से ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारी टीम को जरूर कंसल्ट करें। तो जानते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज है हमारे पास, एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स, हमें सुशी शेफ चाहिए, बारटेंडर्स चाहिए, पिज्जा मेकर्स चाहिए, डिश वॉशर्स चाहिए, बेकर्स चाहिए, बुचर्स चाहिए, किचन क्लीनर्स चाहिए और साथ ही साथ मिनी बस ड्राइवर्स चाहिए, राइट। तो आपको समझ आ गया कि वर्सेटाइल ओपनिंग्स हैं। अब यहाँ पर कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि किचन क्लीनर्स हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एज अ डिश वॉशर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सैलरीज यहाँ पर काफी अच्छी हैं, 550 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक का तो आपका बेसिक पे है, प्लस ओवर टाइम आप अलग से कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज में आपको ड्यूटी मील भी दिया जा रहा है, अकोमोडेशन तो हमेशा ही फ्री होता है दोस्तों। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इतना बता सकता हूँ कि बुल्गारिया वो कंट्री है दोस्तों की जहाँ पर हमने जो भी सैलरी बताकर भेजा है ना अपने कैंडिडेट्स को, हमेशा वो 200 से लेकर 300 यूरोस एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हैं, राइट। और यूरोप की जो खास बात है दोस्तों वो क्या है, देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारत में जो हमारे कैंडिडेट्स पढ़ रहे होते हैं या फिर जो ITJT करके आते हैं, उनका एक कंप्लेन होता है कि सर कई बार काम ज्यादा कराते हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम करा लेते हैं, भारत की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा यूरोप में नहीं है, और सैलरी कम देते हैं। और कंपेयर यू नो अगर कंपैरिजन किया जाए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो सैलरीज हैं भारत के अंदर, वो और सेक्टर्स से इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो यूथ होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के पोटेंशियल को नहीं समझ पाते। दोस्तों मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस का समरी बता रहा हूँ, राइट। इन अ नटशेल, हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों,
आप छोटा सा कोर्स करके, आप सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी एंट्री ले सकते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा करके भी एंट्री ले सकते हैं, आप COMI 3, COMI 2, COMI 1 आप शेफ एग्जीक्यूटिव शेफ तक जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 100% प्रैक्टिकल बेस्ड है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए, आप ये मैं सोचेगा कि मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, ऐसा बात नहीं है। सच में उत्तराखंड के जो हमारे शेफ्स हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं, और मुझे खुशी होती है जान के कि वो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि पूरी दुनिया में जो है हॉस्पिटैलिटी का क्या रेपुटेशन है। आज जापान से लेके अमेरिका तक, शेंगेन कंट्री से लेके गल्फ तक, आपको बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड्स में उत्तराखंड के शेफ्स मिल जाएंगे, राइट। तो दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी ऐसे सेक्टर में जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल हो, आपको स्किल्ड वर्कर का टैग मिले, आपको रेगुलर ग्रोथ मिले, आपको शेंगेन से लेके US, कनाडा, न्यूजीलैंड, यू नो, जापान, किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा मिले, आपको ग्रोथ मिले, आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या आप लिमिटेड फंड्स और यू नो लिमिटेड टाइम लगाकर डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कंसल्ट करें। नो डाउट उत्तराखंड या भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, यू नो, IHM से लेकर हर शहर में जो है डिग्री डिप्लोमा वाले कोर्सेज करा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगेन, हमें पता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। देखिए, हमारे पास जो एम्प्लॉयर्स है ना दोस्तों, वो 2 साल से है, 3 साल से है, 4 साल से है, तो हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, हम आपको उसी तरीके से ट्रेन करते हैं। और जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि इंडिया में समस्या होती क्या है कि कैंडिडेट डिप्लोमा कर लेता है, डिग्री कर लेता है, लेकिन वो ITJT में जब जाता है तो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि 12-12 घंटे वो काम कराते हैं और जो स्टिफंड मिलता है दोस्तों वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है कैंडिडेट्स को। और कई बार कैंडिडेट्स मैंने देखा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो नया नया करियर बना रहे होते हैं, क्योंकि उनका इनिशियल स्टेज होता है, उन्होंने डेप्थ तो देखा नहीं होता इस इंडस्ट्री का, राइट, तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और यू नो, डिसअपॉइंटमेंट इस लेवल का होता है कि कई बार अपना इंडस्ट्री स्विच कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं दोस्तों आपके पास। अगर आप पहले से ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, आपने सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, आप हमें कंसल्ट करें, हम आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी शॉर्ट टर्म कोर्स बताएंगे और हम आपको ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे और इस लायक बनाएंगे कि ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज बल्कि यूरोप के टॉप कंट्रीज की प्रीमियम ब्रांड्स आपको सेलेक्ट करेंगे। इस चीज का अश्योरेंस हम आपको दे रहे हैं, हम आपके साथ मेहनत करेंगे दोस्तों, राइट, हम आपको बताएंगे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, राइट, दुनिया के अच्छे देशों में। सो एनीवेज, फिलहाल आप समझ गए कि हमारे पास बुल्गेरिया के क्या ओपनिंग्स आई हैं, राइट। अगर आप पहले से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके पास भारत का एक्सपीरियंस है या विदेश का एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी टीम को कंसल्ट करें। 10 AM to 6 PM हमारी टीम आपकी कॉल्स को रिसीव करती है, राइट। जो एडमिशन लेने वाली बात है वो मैंने फ्रेशर्स के लिए बोला है, राइट। अगर आप पहले से ही काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, आपको तो पता है कॉन्ट्रामेंटर्स जो है आपको ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जेन्युइन वर्क वीजा पर हम आपको माइग्रेट करवाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में हम असिस्ट भी करते हैं। एक और बात बता दूं दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको एक तो डिटेल्स मिल जाती हैं, JD मिल जाता है, साथ ही साथ आप कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हमारे देख लेना जो पिछले 1-1.5 साल में गए हैं, तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा ये देखकर कि लगभग भारत के हर क्षेत्र से, मतलब आप ये समझ लें कि कर्नाटका से, आसाम से, ऑफकोर्स मेरा गृह राज्य उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारी जगहों से लोग गए हैं, राइट। तो आप लोग ये ना सोचें कि क्योंकि सर का घर उत्तराखंड में है और सर का ऑफिस दिल्ली में है और मैं जो है दक्षिण भारत से आता हूँ या यू नो पूर्वी भारत से आता हूँ, सी नथिंग मैटर्स, आप भारतवर्ष में कहीं से भी हैं, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशल हैं और इक्वल हैं, वी विल गिव यू द बेस्ट, राइट। आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें, वो आपको बताएंगे क्या प्रोसेस के स्टेप्स हैं, क्या एक्सपेंसेस आते हैं, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप चाहें तो अपने घर के कम्फर्ट से भी ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, जब आपका प्रोफाइल हमारे पास आ जाएगा, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उसके बाद मैं खुद आपसे और आप चाहेंगे तो आपकी फैमिली या गार्जियन से भी बात करता हूँ हमेशा, और हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं। वहाँ पर क्लियर यू नो कंडीशंस मेंशन होती हैं कि आप कितना अमाउंट देंगे और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट कंपनी, राइट। और हमारा सक्सेस रेट जो है दोस्तों 90% एंड अबव का है, और बुल्गेरिया एज अ कंट्री का सक्सेस रेट 99% अबव का है, राइट। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस डिमांड को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं। और अगर आप फ्रेशर भी हैं तो मैंने आपको बता दिया 2 से 3 वैकेंसी ऐसी हैं जहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जैसे लाइट मोटर व्हीकल, जैसे कि लाइट मोटर वैन ड्राइवर का है, तो उसके लिए तो मैं ड्राइवर चाहिए, हॉस्पिटैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। डिशवॉशर के लिए, किचन हेल्पर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बुल्गेरिया के साथ साथ रोमानिया की कुछ वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पिछले कुछ ब्लॉग्स में भी शेयर की हैं, और भी नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, अर्जेंट वैकेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जहां पर फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। साथ ही साथ क्रोएशिया की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास चल रही है, माल्टा हमने कुछ दिन पहले ही क्लोज किया, फ्रांस की जो वैकेंसीज हमने आपके साथ पहले शेयर की थी वो अभी भी चल रही है, जर्मनी में भी हम लोग कुछ फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। दोस्तों, इस तरीके से साथ बने रहे। साथ ही साथ आपको अच्छी तरह से पता है कि गल्फ की बहुत सारी लिक्विडेटिव वैकेंसीज हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। YouTube के साथ साथ
हमारा जो टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल है, हमारा व्हाट्सएप पर जो ऑफिशियल ग्रुप है, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। और हमारे डेली ऑफिस जो कि कालका जी में है, कालका जी न्यू दिल्ली, यू आर मोस्ट वेलकम। आप 10 PM to 6 PM कभी भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर आए, तो फिर आपको जो है एक स्लॉट बता दिया जाएगा कि सर इस समय आए, क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन हमारे इंटरव्यूज होते हैं उस दिन थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो पहले एक बार बता दें कि मैं विजिट करना चाहता हूं, जिससे कि हमारी टीम आपको प्रॉपर टाइम दे पाए। और अगर आपके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप मेरे से चाहते हैं, तो मैं भी उस समय पर आपके लिए स्लॉट निकाल के रखूंगा, चाहे मैं जहां पर भी हूं, अगर मैं दुबई में हूं या भारत के किसी और भाग में हूं, तो मैं ऑनलाइन डिजिटली आपसे बात कर लूंगा जब आप मेरे ऑफिस में बैठे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल जो है मैं लाइक्स व्यूज के लिए नहीं रन कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर बात होती है आपके करियर की, यहां पर बात होती है जेन्युइन तरीके से माइग्रेट होने की। जब भी भारत से विदेश जाएं, विदेश मंत्रालय भारत सरकार से लाइसेंस एजेंसी के थ्रू ही जाएं। संपूर्ण भारतवर्ष में जो है बहुत सारे लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जनरली माइग्रेट करें, काम के लिए जा रहे हैं तो वर्क वीजा पर ही जाएं, हर चीज को राइटिंग में लें और तेजी से अपने करियर में आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।